हेलो, आई एम पंकज फ्रॉम हाइट इंक्रीज इन्फो टीम। हमारे साथ हमारे एक पेशेंट हैं जिन्होंने फीमर लेंथनिंग करवाया है। आज इनकी सर्जरी को 5वां दिन है। अभी तक का इनका एक्सपीरियंस जानते हैं कैसा रहा है हॉस्पिटल के साथ और हाइट इंक्रीज इन्फो टीम के साथ। हेलो, मेरा नाम है विकास। मैं महाराष्ट्र से हूँ, मुंबई से। मेरी एज है 28 और मेरी हाइट 167 सेंटीमीटर्स है और मेरा गोल है 7 to 8 सेंटीमीटर्स। और मुझे पता चला हाइट इंक्रीज इन्फो के बारे में लगभग 1-1.5 साल पहले, और मैंने खुद रिसर्च की थी और फिर कांटेक्ट भी किया था हाइट इंक्रीज इन्फो की टीम को, और उन्होंने बताया था उनका सारा प्रोसीजर। और फिर मैं सेटिस्फाई होने के बाद इधर एक ट्रिप लगाई थी और रिहैब सेंटर भी देखा मैंने और पेशेंट्स से भी मिला और यू नो रेडी हो गया सर्जरी के लिए। आपने फीमर लेंथनिंग ही क्यों चूज़ किया, व्हाई नॉट टीबिया? फीमर लेंथनिंग पहली चीज़ तो लाइक ये पर्सनल प्रेफरेंस थी, और फिर इसके बारे में मुझे ये भी पता चला कि फास्ट रिकवरी होती है और जो फीमर की जो बोन होती है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है टिबिया की बोन से, तो इस वजह से भी यू नो रिकवरी के लिए। एक्चुअली फीमर या टिबिया कोई भी सेगमेंट आप चूज कर सकते हो, जर्नी कैसी रहेगी वो डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। इनकी लाइक फर्स्ट डे सर्जरी के बाद से इनका पूरा पैर बैंड हो गया था आफ्टर फीमर लेंथनिंग, ऑलमोस्ट 90 डिग्री तक इनका बैंड हो गया था, राइट? यस। आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है ये उस पर डिपेंड करता है। चूज आप कुछ भी कर सकते हो, फीमर भी या टिबिया भी। तो विकास जी, 5 दिन की जर्नी कैसी रही आपकी हॉस्पिटल में, पेन वाइज सर्जरी के बाद से कितना पेन रहा है? पेन वाइज तो सर्जरी के दिन और सर्जरी के 2 दिन बाद भी बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि एपिड्यूरल था और फिर पेन मेडिकेशन से मैनेज किया जा रहा था तो फील ही नहीं हो रहा था। अब तो 5th डे है सर्जरी के बाद, तो बिल्कुल भी लाइक ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 3 या 4 बोल सकता हूँ, 3 से कम ही बोल सकता हूँ। ऐसा बैठा हूँ मैं, लाइक बेंडिंग भी कर पा रहा हूँ मैं, तो बहुत ही कम है पेन। ओके विकास जी, लिम लेंथनिंग सर्जरी कराने का थॉट आपके माइंड में कहाँ से आया? कोई पर्सनल रीजन था या प्रोफेशनल? एक्चुअली दोनों भी रीजंस बोल कह सकता हूँ मैं। फर्स्ट रीजन लाइक पर्सनल, इसलिए कि प्यूबर्टी के बाद ज़्यादा मुझे दिखाई नहीं दिया कि हाइट बढ़ रही है, तो उसी वजह से। और फिर लाइक यू नो 167 से बढ़ के ही हाइट मैं चाह रहा था। और फिर प्रोफेशनल रीजंस के लिए लाइक यू नो जहाँ पर भी आप काम करोगे जो भी है, लाइक यू नो एक एवरेज हाइट होती है लाइक जो आप लोगों में सेम दिखाए जाते हैं, तो उस वजह से प्रोफेशनली वो वजह से मैं करना चाह रहा था। ओके, मतलब पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों रीजन। विकास जी, आपने हाइट इंक्रीज इन्फो टीम को ही क्यों चूज़ किया? मैं हाइट इंक्रीज इन्फो टीम को इसलिए चूज़ किया, फर्स्ट चीज़ तो ये है कि जो पैकेज है वो सबसे बेस्ट लगा मुझे, क्योंकि इसमें सब हर चीज़ इंक्लूडेड है, केयर और ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी, एक्सरे, मेडिकेशंस। और फिर मुझे मौका ये भी मिला कि मैं लाइव पेशेंट से मिलूँ, तो उनकी एक्सपीरियंस के बारे में जानने को मिला। और थर्ड चीज़ ये है कि रिहैब सेंटर लाइक कंप्लीट रिहैब सेंटर है, उसमें फिजियोथेरेपी होती है, हर तरह की थेरेपी होती है ट्रीटमेंट के लिए, तो ये 3 रीजंस थे। जो पेशेंट्स हमसे पूछते हैं फीमर लेंथनिंग के बाद बेंडिंग कब तक आएगी, वो पेशेंट देख सकते हैं। आज सर्जरी का इनका 5th डे है और 3rd डे से इनकी ऑलमोस्ट 90 डिग्री बेंडिंग आ गई है, तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन बॉडी टू बॉडी, ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। तो ये था इनका एक्सपीरियंस अभी तक का 5 डेज का। नेक्स्ट वीडियो इनकी हम पोस्ट करेंगे जब इनकी लेंथनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तब तक के लिए अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमारे दिए गए नंबर पर आप पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।